कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं इसका दुनिया का सबसे बड़ा विरोधी हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं सेल्फ अचीवर, दिल से दिल तक। जब तक सुनोगे नहीं तो समझोगे कैसे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये वर्ड जिसने भी बोली है, अगर वो मुझे मिल जाए ना तो 100% मैं उसे बम से उड़ा दूंगा। मैं आपको शायद याद दिला दूं, पुराने जमाने में सर्कस हुआ करती थी। सर्कस आप लोग भी जानते ही होंगे, सर्कस गांव में सर्कस हुआ करती थी। सर्कस में तंबू में एक लड़की अपने सर पे सेव रख के और एक लड़का हाथ में नाइफ लेके चाकू और 20 मीटर की दूरी पे या 20 फीट की दूरी पे ब्लाइंड आंख में पट्टी बांध के और चाकू को फेंकता है उस लड़की के तरफ और सेव दो फाक में कट जाती है। अगर सोचो, अगर लड़का ये सोचे कि मैं कोशिश करता हूँ, क्या वो होता? अगर लड़का लड़की के कान में जाके बोले कि यू स्टे हियर, तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं कोशिश करता हूँ, क्या लड़की वहाँ खड़ी रहेगी? कभी नहीं। लड़के को 100 में 100% भरोसा होता है अपने ऊपर, वो कॉन्फिडेंट होता है कि मैं करूँगा, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाइए, कोशिश कुछ नहीं होती है। अगर मैं या कोई भी बच्चा अपने पापा से बोले कि हाँ मैं एग्ज़ाम में पास कर जाऊंगा, कोशिश करूंगा पास करने की, पापा खुश होंगे, जूते से मारेंगे। अगर आप किसी पड़ोसी को बोले चलिए घर चलने की कोशिश करते हैं, नहीं, वी विल कॉन्फिडेंट, हम लोगों को पता है कि वो काम करना ही है। इंसान बोले कि चलो खाना खाते हैं, कोशिश करते हैं खाना खाने की, ऐसा कभी कोई बोल सकता है? नहीं, वी विल कॉन्फिडेंट कि हमको ये करना ही है तो करना ही है। कोई भी काम के लिए कॉन्फिडेंट होना पड़ता है, 100% कॉन्फिडेंट। अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाइए, आत्मविश्वास, कोशिश से कुछ भी नहीं होता। जो निगेटिव आदमी होते हैं, जिसके मन में डाउट होता है, वो लोग कोशिश शब्द का प्रयोग करते हैं। सो कॉन्फिडेंट बनिए, अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाइए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये 100% झूठ है। अपने अंदर ऐसा बनाइए, पूरा कॉन्फिडेंट लाइए, 100% कॉन्फिडेंट लाइए, आप वो जरूर सक्सेस करोगे। अगर कोशिश के भरोसे रहोगे तो लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं करोगे। इसलिए अपने आप को कॉन्फिडेंट बनाओ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, ये सब कुछ इंसान ही करता है और मैं करूँगा तो करूँगा, चाहे जो होगा मैं करके ही रहूँगा, आई विल डू इट, आई कैन डू इट। इफ यू डाई, इफ यू बॉर्न इन पुअर फैमिली, दैट इट इज योर नॉट योर मिस्टेक। इफ यू डाई इन पुअर फैमिली, दैट इट इज योर बिग मिस्टेक। अगर आप गरीबी में जन्म लेते हो तो ये आपकी गलती नहीं है, ये नसीब की गलती है। अगर आप गरीबी में मरते हो तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होगी आपकी। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंट लाइए, कोशिश शब्द का प्रयोग कभी भी नहीं कीजिए। सो थैंक यू।